हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे मल्टीग्रेन चीला। सबसे पहले हम दाल को भिगोएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है मूंग दाल, चना दाल और थोड़ा सा राजमा, अरहर की दाल और चावल। इन सबको डालकर पहले हम धुल देंगे। धुल कर फिर इसको हम भिगोएंगे। इसको हम 6-7 घंटे के लिए भिगोएंगे, तो इसलिए मैंने रात में ही भिगोया। अगर आप लोग तुरंत बनाना चाह रहे हैं तो 4-5 घंटे पहले इसको भिगो दीजिए, क्योंकि दाल को अच्छे से फूलना होता है। जब ये जितना अच्छा फूला रहेगा उतना ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी चीला बन के तैयार होगा। अब इसको अच्छे से हम धुल देंगे और इसको हम भिगो कर रख देंगे ढक कर। फिर इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। और दाल ये अच्छे से फूल गया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और 2 हरी मिर्च के साथ हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ये हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी चीला होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। और ये हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया। थोड़े से प्याज और टमाटर भी हैं। अब तवे पे हम इसको फैलाएंगे, इसको अच्छे से सेकेंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, थोड़े से प्याज और कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा भुंजिया सेव डालकर अच्छे से इसको सेक देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा चीला हमारा बनके रेडी हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स, चीला बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।